हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरी चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक अनदर प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और ये कोई प्रमोटिंग वीडियो नहीं है। और आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है बायोटिक बायो पपाया 10 रिमूवल स्क्रब, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 100 ग्राम है जो कि आपको 140 में मिल जाएगा। और इसमें अभी कौन कौन से कंटेंट यूज़ हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पपीता फ्रूट एंड सीड्स है, केला फ्रूट पल्प है इसमें, खजूर फ्रूट पल्प है, नीम का पल्प है, मेथी सीड्स है, और बीजवैक्स भी इसमें यूज़ किया हुआ है, और किकम गम भी यूज़ किया हुआ है, और मूंगफली ऑयल है इसमें, और प्योरीफाइंग वाटर है, और ये 100% डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, और ये नो एनिमल टेस्टिंग है, और ऑर्गेनिकली प्योर है, और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव फ्री है, और ये आपको शॉप ऑनलाइन एड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बायोटिक की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और इसकी अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाउ टू यूज़, पर मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई करके दिखाऊँगी कि आपको अपने फेस पर कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये थोड़ा सा ऐसा लेना है क्वांटिटी, और ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा के, ऐसे जो मैं हाथ पे स्क्रब कर रही हूँ ऐसे आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है, और जेंटली मसाज करनी है आपको, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। अदरवाइज इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो आपके फेस पे रेडनेस दे सकते हैं। आपको ऐसे यूज़ करना है, और फिर 2 से 3 मिनट तक जेंटली मसाज करना है, बहुत हार्श नहीं करना है। और उसके बाद आप 30 सेकेंड रख के अपना फेस वॉश कर सकते। पता चल गया होगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किस स्किन टाइप को यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर आपके कोई भी स्किन हो, जैसे कि ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, तो वो भी आप यूज़ कर, कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं इसको। बट मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको, अगर मेरी ऑयली स्किन है और जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे अपने फेस पे थोड़ी जलन महसूस हुई, और इसकी वजह ये है कि मैंने इसको पैच टेस्ट नहीं किया था। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको सबसे पहले उसका पैच टेस्ट करना रहेगा। अगर आप पैच टेस्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली उसको फेस पे अप्लाई कर देते हो, तो अगर हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके फेस के लिए नहीं हो। अगर आपने ऑयली स्किन का प्रोडक्ट है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने वो यूज़ किया, तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं उसके। तो आपको पैच टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारी जॉ लाइन है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो हमारी जॉ लाइन पे अप्लाई करना है। कोई फेस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करके देखना है, 10 से 20 सेकेंड तक उसको रखना है। अगर आपको कोई भी जलन या रेडनेस नहीं होती तो वो प्रोडक्ट आपको सूट होगा। और अगर आपको कोई जलन या रेडनेस फील हो रही हो तो आपको वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको, मतलब साइड इफ़ेक्ट है उसके, या हो सकता है उसमें ऑरेंज पील है जो आपको सूट नहीं होता, या लेमन पील है वो आपको सूट नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको रेडनेस हो सकती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं परचेस करने चाहिए। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट का भी पैच टेस्ट करना रहेगा। और मैंने जैसे कि बताया आपको, यहाँ पे जॉ लाइन है वहाँ पे आपको पैच टेस्ट करना रहेगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब बात करते हैं कि इसको किस, मतलब कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको 1 वीक में इस प्रोडक्ट को 2 to 3 times यूज़ करना रहेगा। कोई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।